दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हीरो प्लेजर प्लस स्कूटर का प्लैटिनम एडिशन के बारे में। दोस्तों हीरो टू व्हीलर कंपनी ने इस स्कूटर में प्राइस के साथ साथ बहुत सारे बदलाव किए हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो के एंड में इस स्कूटर का ऑन रोड प्राइस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस स्कूटर में हीरो टू व्हीलर कंपनी ने क्या क्या बदलाव किया है। दोस्तों इस स्कूटर में इंजन का कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इस स्कूटर में 110 सीसी एयर कूल्ड OHC फ्यूल इंजेक्शन इंजन लगाया गया है, जो कि आपको बेस मॉडल में देखने को मिलेगा। दोस्तों इस स्कूटर में जो मेन चेंज किया गया है वो आप लोग देख सकते हैं। इसका जो बैक रेस्ट है, सीट का जो बैक रेस्ट है वो एक्स्ट्रा इसमें लगाया गया है, जो कि क्रोम फिनिश में आता है और जो कि पिलियन को काफ़ी कंफर्ट महसूस करवाता है। सेकंड चेंजेस दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो देख सकते हैं इस स्कूटर में डुअल टोन सीट कवर के साथ आपको क्रोम फिनिश का मिरर्स देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस स्कूटर में जो हैंडल बार है वो भी आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इस स्कूटर में आपको मोबाइल चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है। स्कूटर के फ्रंट में सामान रखने के लिए काफ़ी सारा जगह इसमें स्कूटर में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस स्कूटर का जो इनर एम्ब्लेम है वो ब्राउन कलर का दिया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों स्कूटर की टायर्स की अगर बात की जाए तो इस स्कूटर में लगाया गया है 90x100mm का ट्यूबलेस टायर, जो कि आपको फ्रंट में और रियर साइड में देखने को मिलता है। दोस्तों इस स्कूटर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक फ्रंट और रियर में देखने को मिलता है। दोस्तों इस स्कूटर का सीट हाइट हीरो टू व्हीलर कंपनी ने रखा है 765mm, जो कि 2.6 इंचेस का हाइट प्रोवाइड कराती है। आइए दोस्तों इस स्कूटर का बाकी स्पेसिफिकेशन जानने के बाद इस स्कूटर का ऑन रोड प्राइस के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों हीरो प्लेजर प्लस का प्लैटिनम एडिशन का प्राइस है 60,950 रुपीस, जो कि दिल्ली के एक शोरूम प्राइस के मुताबिक है, और दिल्ली का ऑन रोड प्राइस है इस स्कूटर का 72,500। दोस्तों आपके नज़दीकी सिटी में इस स्कूटर का ऑन रोड प्राइस जानने के लिए वीडियो के कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिए। और दोस्तों चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।